कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वरों की मात्राएं। आज हम स्वरों की मात्राओं का अध्ययन करेंगे, तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियों को देखिए। कमल, क, क के साथ क्या है? हलन, अ, म हलन, प्लस अ प्लस ल, ल के नीचे क्या है? हलन, फिर अ, तो वो क्या बन गया? कमल। क क्या है? व्यंजन, और अ क्या है? स्वर। इसी प्रकार गुलाब, ग, ग के नीचे हलन, ग पे किसकी मात्रा है? छोटे ओ की। ल, ल के साथ हलन, अ प्लस ब प्लस अ, आ क्या है? स्वर, और ग क्या है? व्यंजन, तो वो क्या बना? पूरा शब्द अगर हम पढ़ेंगे, गुलाब। शब्द रचना के उद्देश्य से व्यंजन के बाद लगाए जाने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद क्या लगाया? स्वर लगाया, तो वो क्या है? मात्रा। जैसे ग, उ क्या है? स्वर है, और उ पे क्या है? उ की मात्रा है। हमने देखा कि दोनों शब्दों में स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के बाद हुआ है। किसके बाद हुआ है? व्यंजनों के बाद, ग के बाद हुआ है ना। किसका प्रयोग? स्वरों का। अकेले प्रयोग हुए व्यंजन क, म, ल और ब है, में स्वर असम्मिलित है। इनमें क्या है? क्या सम्मिलित है? स्वर असम्मिलित है। अकेले प्रयुक्त होने वाले व्यंजन में आपका स्वर निहित रहता है। बच्चों, स्वर रहित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ड, ट, ठ, ये सब क्या है? ये वो व्यंजन है जो स्वरों रहित होते हैं। अब स्वर रहित हम व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ड, ट, ठ, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे हलंत लगा हुआ है और इसके साथ हलंत नहीं लगा हुआ। पढ़िए, तोता, तो, तो के नीचे क्या है? हलन प्लस ओ, ओ की मात्रा है, प्लस त प्लस आ, तो क्या बन गया? तोता। ओ और अ क्या है? मात्रा चिन्ह। उसी प्रकार हाथी, ह, ह के नीचे हलन, फिर आ की मात्रा है, आ, थ, ई, क्योंकि यहाँ क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, तो वो क्या बन गया? हाथी। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है, अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ, अ से आम, तो ये क्या है? आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा, ये क्या है? छोटी, क प्लस ई, तो क्या बन गया? की, किसान। ये बड़ी ई की मात्रा, क प्लस बड़ी, की, कील। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री, ऋषि की मात्रा, ए, एड़ी की मात्रा, ए, ऐनक की मात्रा, ओ, ओखली, और औ से औरत। देखिए, कुली, छोटे ऊ की मात्रा, कूद, कृपाण, केश, कैद, कोना, कौड़ी, तो ये सब क्या है? स्वरों की मात्राएं हैं। अलग अलग मात्राएं व्यंजनों के अलग अलग स्थानों पर प्रयोग की जाती है। मात्राओं को लगाने के स्थान, व्यंजनों से पहले लगाने वाली मात्रा, व्यंजनों से पहले जो लगती है, छोटी की मात्रा। देखिए, क, वी, व क्या है? व्यंजन, उससे पहले पिता, रविवार, तकिया, ये सब क्या है? छोटी ई की मात्रा। व्यंजन के पश्चात लगाने वाली मात्राएं, खारा, जीव, शोर, कौआ। व्यंजनों के ऊपर लगने वाली मात्रा, शेर, मेला, मैना, बैल, ये सब व्यंजनों के ऊपर लगी हुई है। व्यंजनों के नीचे लगने वाली मात्रा, जो व्यंजनों के नीचे, जैसे मुख, धनुष, फूल, कृष्ण, ये सब क्या है? ये वो मात्राएं हैं जो व्यंजनों के नीचे लगती हैं। र में उ और औ की मात्राओं का प्रयोग, जैसे गुरु, रुचि, तो र के साथ उ की मात्रा है, रूप, र के साथ बड़े उ की मात्रा है।
तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने स्वरों की मात्राओं का अध्ययन करा। अब हम देखेंगे आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न एक आप स्वयं करेंगे। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उनकी ध्वनियों को अलग अलग लिखना है। पहला शब्द है गिलास, तो पहले हम लिखेंगे ग ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, प्लस में ल, ल के साथ कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा, और उसके बाद क्या है स, तो क्या बन गया गिलास। समोसा, स, स के नीचे हलन, प्लस म, म के साथ क्या है अ की मात्रा है, फिर स, स के नीचे हलन, फिर आ, तो क्या बन गया समोसा। मेरे प्यारे बच्चों ख और घ आप स्वयं करेंगे। प्रश्न तीन, निम्नलिखित ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो चलिए करते हैं। त, सबसे पहले त, त के साथ क्या है ई, मतलब छोटी ई की मात्रा, ल, क, तिलक, स, उ, स पे छोटे उ की मात्रा, प, प पे आ की मात्रा, र, र पे बड़ी की मात्रा, क्या बन गया सुपारी। मोटर, मोटर, स, ह, ह पे ए की मात्रा, ल, ल, ल पे ई की मात्रा, क्या बन गया सहेली। प्रश्न चार, निम्नलिखित वर्णों के साथ स्वरों की मात्रा लगाकर अन्य वर्ण जोड़ते हुए शब्द बनाओ। पहला क्या है सीटी, दूसरा ही, हिरन, म पे उ की मात्रा, तो हम क्या बनाएंगे मुख, प पे बड़ी की मात्रा, तो वो क्या बन जाएगा पीली, हा, हा पे आ की मात्रा, हाथ, ज पे बड़े उ की मात्रा लगाकर क्या शब्द बनेगा जूता। मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने स्वरों की मात्राओं का ज्ञान किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।